ये देखो, ये आपका बंडल तैयार हो गया। ये बिल्कुल देखो, बंडल तैयार हो गया। से चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये भैया आए हमारे, ये यहाँ के ओनर हैं, ये ही माल भेजते हैं सब जगह। तो भैया जो हमने नीचे दिखाया, वायर बन रही है आपकी, ठीक है, फैक्ट्री में जी। तो अपनी जो वायर है, जैसे कोई बंदा अपने घर के लिए भी माल चाहिए तो मिल सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपको लेकर आए भाई फैक्ट्री में। यहाँ पर वायर कैसे बनती है आज आपको बताने वाले हैं, सारा कुछ बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे वायर बनती है। आइए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस, ये हमारे अवधेश कुमार जी हैं, ये बताएंगे कैसे कैसे वायर बनती है, क्या होता है। तो भैया सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, क्या कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले गाइस, यहाँ पर माल जो है वो गर्म होता है, इसमें माल गर्म होती है, ठीक है। ये माल गर्म करने की मशीन है, ठीक है, माल गर्म, पीवीसी, पीवीसी गर्म होने की। ये क्या है? ये पीवीसी है। अच्छा, पीवीसी है। ये दाना है, ये वाइट वाइट करना है अगर बंडल तो वाइट हो जाएगा। उसके लिए कलर डलती है, कलर डलती है, जिस कलर में चाहिए उस कलर में बनती है। चार पांच कलर जी है, ठीक है, ठीक है, इसमें बनता है आपका, ठीक है। ये है कलर है, ये रेड है, येलो है, व्हाइट है, ब्लैक है, ये दाना है, ग्रीन है, ठीक है, ब्लू है, ठीक है, ये सारे दाने हैं, ये अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ यहाँ से तार लगती है, ठीक है, ये तार साइज बनाना है, कौन सा साइज बनाना चलता है, ठीक है। अभी ये कौन से साइज की वायर तैयार हो रही है? 1 mm चल रहा है, 14 तार, 14 तार चल रहे हैं, 1 mm। अच्छा, ये जो वायर होती है ये कॉपर की वायर होती है? हाँ, कॉपर है। अच्छा, ये कॉपर बाहर, ये वही कॉपर है जो मोटर वाइंडिंग में पड़ता है? नहीं नहीं, वो अलग होती है। अच्छा, वो अलग होता है, वायर के लिए अलग होता है, गेज के हिसाब से होता है, गेज के हिसाब से जहाँ जैसा लगना होता है ना उस हिसाब से गेज लगता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो चल रही है वो भी दिखा देते हैं कैसे चल रहा है। तो ये जो है वायर चल रहे हैं, ये वायर चल रहे हैं, ठीक है। ये मशीन है, अच्छा, इसमें दाना डलती है, इसमें दाना डलता है, इसमें दाना मतलब कलर होता है, कलर कलर इसमें डलती है, सफेद नीचे चलता है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये डाई लगी हुई है, लैंप लगा हुआ है चमक के लिए। यहाँ से पानी है, टंकी है, इसमें जाता है वहाँ पे रूला पे, वहाँ टेकअप पे नीचे निकलता। और ये क्या है, इसके बारे में पैनल है? हाँ, पैनल है, इसके बारे में समझो। ये मशीन चलाने के लिए है। अच्छा, इसमें हीटिंग के लिए है। सारे मीटर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं गाइस। अच्छा, इसमें ये भी है, कौन से गेज का माल तैयार हो रहा है, इसमें सेट करना पड़ता है? हाँ, सेट करना पड़ेगा मशीन में। हाँ, अच्छा अच्छा। अभी ये 1.5 mm तैयार हो रहा है, 1 mm, 1 mm तैयार हो रहा है। अच्छा, 1 mm तैयार हो रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और ये जो टंकी है, ये पानी की टंकी चल रही है, ठंडा होने के लिए है, गर्म हो जाएगा तो फिर सही नहीं आएगा, ये ठंडा करने के लिए। अच्छा, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए पानी चलती है इसमें, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से होने के बाद इधर आ जाती है वायर, यहाँ से वायर आ रहा है। अच्छा, मीटर लगा हुआ है आपका? अच्छा अच्छा, 90 मीटर का माल बन रहा है, ठीक है। जितना मीटर का बनाना है, 200 मीटर, 100 मीटर, 90 मीटर, यहाँ सेट कर दो, यहाँ से चलते रहेगी, वहाँ घंटी बजेगी, वहाँ कट जाएगी, कट जाएगी है। यहाँ प्रिंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ प्रिंट हो रहा है, प्रिंट जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रिंट, ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब हर मीटर पे प्रिंट होगा? हर मीटर, हर मीटर, एक मीटर में 2 या 3 बार प्रिंट होती है। अच्छा, 1 मीटर में 2 या 3 बार प्रिंट होती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर, अच्छा, कंपनी का ट्रेडमार्क, हाँ हाँ, यहाँ से लगता है, आप जो डाई लगाएंगे, हम जिस कंपनी का जो आइटम है अपना, उसी मार्के को यहाँ पे लगा देते, अपना प्रिंट होता है, प्रिंट होता रहता है, और यहाँ आकर बनती रहती है। ये अभी जो वायर बन गई है, ये मतलब 90 मीटर तैयार कर रहे हो? 90 मीटर तैयार हो रही है। अच्छा, मतलब काफी बड़ा लच्छा हो गया ये तो। अब जो उलझेगा नहीं, ऐसी कैसी उठता चला जाता है, ऐसे वहाँ जाएगा। अच्छा, वहाँ पे बंडल बनेगा, कॉइलिंग होगा। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये माल देखो बन गया, ये माल बन रहा है, यहाँ पे आपका बंडल बनेगा। अच्छा,
कैसे बनेगा ये दिखा रहे हैं, एक बंडल का बना के दिखा रहे हैं भैया। ये देखिए ये माल पूरा बनकर तैयार हो गया है। इधर ये देखो, इधर जो ग्रीन है, इधर वाइट है, इधर येलो है, ठीक है, ऐसे बन रहा है माल। और ये पूरी फैक्ट्री है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर वायर बनती है भाई। ये देखो ऐसे बनेगा बंडल। अब अभी ये बंडल बन रहा है, बंडल अच्छा, 90 मीटर जो पूरा जितना है, ये 90 मीटर है, 90 मीटर का है। अच्छा, एक बंडल तैयार हो जाएगा इसमें। एक बंडल तैयार हो जाएगा, जिस हिसाब से माल होता है उस हिसाब से फर्मा लगती है इसका। अच्छा, उस हिसाब से बंडल बनेगा इसका, ठीक है। अभी ये पूरा बंडल तैयार हो गया, 90 मीटर का, 90 मीटर का, ठीक है। अभी ये भाई खोल लेंगे ऐसे। और ये इसका ये मार्का होता है, ये कंपनी का धागा। अच्छा, कंपनी का धागा है ये, एपी कंपनी है भैया की। ये देखो पूरा लिखा है, सबके अपना ब्रांड, सबका अपना अपना ब्रांड होता है। और ऐसे करके भैया बंडल तैयार कर देंगे, अभी तैयार करके दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है यहाँ डिब्बे में तैयार हो जाता है। ये आया डिब्बा, ये देखो ये आपका बंडल तैयार हो गया। ये बिल्कुल देखो बंडल तैयार हो गया, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बंडल। मतलब आज पूरा पता चल गया भाई, वायर कैसे बनती है, क्या होता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत देखना चाहते थे, इस तरीके से पैक हो जाता है ये बंडल में। ये देखो भाई पैक हो गया, बस पैक होने के बाद अब ये जो है माल को दुकान पे बेच सकते हो अपने ले जाकर। बस ये आपका तैयार हो गया, ये तो ये हुआ तैयार, हो गया ये तैयार। तो भाई ये हमारे उन भाइयों के लिए है कि जो भाई अपनी शॉप वगैरह शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठा सकते हैं भैया के यहाँ से, और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। काफी सस्ते रेट से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आके भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से निकाल के कॉल कर सकते हो और बात भाई से बात कर सकते हो, कितने रेट से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, क्या है सारा कुछ बताएंगे प्रोसेस, ठीक है। और ये है भाई देखो वायर, हर एमएम की वायर है। अच्छा, ये इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वायर बटाई हुआ हुआ है, हाँ हाँ, और ये बटाई मशीन है, ठीक है। इसमें जो सा साइज बनाना है वो बटाई होगी, आप बटाई होगी, वहाँ से रील लगेगी, ठीक है, यहाँ से रील लगेगा, हाँ, जिस सरिया में, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर रील लगी है, यहाँ पे रील लगेगी, ठीक है, यहाँ पे रील लगेगी, और जो सा साइज बनाना है आपको, हाँ, यहाँ से डायरेक्ट आएगी। अच्छा, ये उसकी मशीन है, ठीक है, ये उसका पैनल है, ठीक है, यहाँ से आपकी मशीन चलेगी, मशीन चलेगी है, इसमें ही बटाई होगी, यहाँ बटाई होगी। अच्छा, कौन सी वायर बनेगी वो ये बताएगा मशीन, ये इसके ऊपर जो सा साइज बनाना है उस हिसाब से बटाई होती है, ठीक है। और ये जो है आपका फ्लेक्सिबल मशीन है, ठीक है, इससे फ्लेक्सिबल का बटाई होती है, फ्लेक्सिबल, अच्छा 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 अच्छा, वो वाली फ्लेक्सिबल बटाई है, आप फ्लेक्सिबल बटाई है, दो तीन तार जो इकट्ठे होते हैं, दो तार होते हैं, अच्छा दो तार होते हैं, ठीक है, ये वो वाली मशीन है, वो वाली मशीन है, ठीक है, इससे फ्लेक्सिबल बटाई है। अच्छा, और इस कांटे पर तोलते हो? हाँ, कांटे पर तोलते हैं, इसमें बेड होता है, हाँ, जैसे आपको मीटर होती है ना, जैसे कटना उस हिसाब से इसका वजन होगा, ठीक है, और बताया जाएगा इतने वजन का इतना मीटर का माल होगा, ठीक है, ठीक है। और ये सब मतलब दाना है, ये दाने हैं उसमें चलाने के लिए, कलर के लिए, ठीक है। तो भाई देख सकते हो वहाँ है, आप कैसे वायर बन रही है, पड़ता है, ठीक है, ये देखो दाना पड़ा, इससे खड़े हो जाओ, दाना पड़ा है, ये देखो दाना है, ठीक है, हाँ, ये देखो कितना काफी गर्म है ये, ठीक है, हाँ, ठीक है। और हाँ, ये देखो ये भाई करते हैं हमारा काम यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, अभी जो हमने नीचे आपको दिखाया तो भैया की वायर की फैक्ट्री है, वो वायर तैयार होती है, तैयार होने के बाद ऊपर आ जाती है, यहाँ पर पैकिंग होकर फिर माल जो है, इधर दिखाओ, ये जाता है माल, ये सारा माल बाहर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये भैया आए हमारे, ये यहाँ के ओनर हैं, ये ही माल भेजते हैं सब जगह। तो भैया जो
हमने नीचे दिखाया वायर बन रही है आपकी, ठीक है, फैक्ट्री में जी। तो अपनी जो वायर है, जैसे कोई बंदा अपने घर के लिए भी माल चाहिए तो मिल सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है। जो अपने घर में, मतलब जिनका घर का काम चल रहा है, वो हमसे आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट लेके जाते हैं, अपने लिए सस्ती पड़ती है उनको। अच्छा, अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्ट अगर वो परचेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कहीं भी आप माल, किसी को अगर 10-20 बंडल भी चाहिए आप दे दोगे? हाँ, हम दे देंगे। हाँ। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कितना भी माल हमसे ले जा सकता है, ले जा सकता है। हाँ। तो अपना एड्रेस यहाँ पे कैसे आएगा बंदा? एड्रेस तो मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो में शेयर कर दीजिए नीचे, और वहाँ पर उसको फॉलो करके बता दो एड्रेस। N67 है, सेक्टर 2, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली के अंदर, ठीक है। आप कभी भी आकर अपने घर के लिए कितनी भी क्वांटिटी में वायर ले जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि फैक्ट्री है तो ज्यादा ही लेना पड़ेगा आपको। अगर 5 बंडल भी चाहिए तो हम यहाँ से वो भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं भैया से, ऑनलाइन भैया के नंबर में, भैया के अकाउंट नंबर में पैसे डाल दोगे, भैया भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पोल्टी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसका चार्ज लगेगा जो भेजने जो का भी भेजने का चार्ज लगेगा वो जुड़ जाएगा। हाँ, और आपके यहाँ माल भेज देंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है कि कम से कम में जितने आप 10 बंडल मंगाना चाहो, अगर क्वांटिटी में परचेज करेंगे, अगर कोई दुकानदार या डीलर हमसे जुड़ना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, रेट बेहतर मिलेंगे। हाँ। तो आप अपने दुकान पे रख के इसको ज्यादा अच्छे से बेच सकते हैं। किसी और सब डीलर से लेकर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेने की जगह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भैया की पूरी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाओ, ये देख सकते हैं आप, पूरी फैक्ट्री है भैया की, यहाँ से माल काफ़ी दूर दूर जाता है, ये सारा माल पैक होके जा रहा है यहाँ से। तो भाई यहाँ पर आप आओ, या ऑनलाइन भी कर सकते हो, आ सकते हो और ले सकते हो यहाँ से। आज के ब्लॉग में आपको हमने दिखाया भाई वायर कैसे बनती है और कहाँ पर ये फैक्ट्री है, ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो और ले सकते हो, आकर भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, भैया से बात भी करा दी, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आज की ब्लॉग में भाई इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।